हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम कंप्लीट एसआरए पढ़ेंगे। ये बिल्कुल आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इससे जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्री के लिए, हम वो पढ़ के ख़त्म करते चलेंगे। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये याद रखना है कि टोटल कितने सेक्शन हैं। तो इसमें टोटल 44 सेक्शन हैं, जिसमें से सेक्शन 43 और 44 रिपील्ड हो चुके हैं। ओके, तो आप चाहो तो इसे एक जगह लिख लो। टोटल 8 चैप्टर हैं इसमें एंड 44 सेक्शन। आप इसे एक जगह लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 44 सेक्शन हैं और ये टोटल 3 पार्ट में कंटेन है। ओके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये है आपका एक्ट नंबर 47 ऑफ द 1963। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसकी एनफोर्समेंट डेट चाहे तो आप लिख लें 1 मार्च 1964, तो ये एनफोर्स हुआ था। फिर दूसरी चीज़ है, आपको डेफिनेशन क्लॉज देखना होगा। ठीक है, इसमें आपको पहले तो यह याद रखना होगा कि इसमें टोटल आपकी पाँच डेफिनेशन क्लॉज हैं, जिसमें से ए बी सी डी इम्पॉर्टेंट है। ए आपको याद रखना है, ऑब्लिगेशन किस में डिफाइन है, 2A में है। तो एवरी ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सारी वो ड्यूटी जिसको लॉ जिसके जिसे आप लॉ द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका यहाँ पे ऑब्लिगेशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें तो फंडामेंटल ड्यूटी इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब है एवरी ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने जस्ट कोरिलेट किया था, इसका यहाँ उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, सेटलमेंट में आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें कोडोसिल और विल नहीं आते हैं। ट्रस्ट क्या है, जो सेक्शन 3 में डिफाइंड है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ट्रस्ट कहाँ पे एसआरए में मेंशन है, तो आपको 2D याद रखना होगा, 2C याद रखना होगा। ट्रस्टी कौन होता है, जिसके पास प्रॉपर्टी का पजेशन होता है, जो उसका केयर टेकर होता है। 3 सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 4 देखते हैं, आपको ये बिल्कुल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि एक वीडियो में ये हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने हाफ बनाया था, बट कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि एक वीडियो में अगर शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, सेक्शन 4 बात करता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है केवल इंडिविजुअल सिविल राइट को एनफोर्स कराएगा, इसका क्रिमिनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पूछे कि कहाँ पे एसआरए में दे रखा है कि वो इंडिविजुअल सिविल राइट को एनफोर्स कराएगा एंड नॉट द पिनल लॉस, तो आपको सेक्शन 4 याद रखना है। पार्ट 2 आते हैं, चैप्टर 1, जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ स्टार्ट होता है। पहला आपका स्पेसिफिक रिलीफ है रिकवरी ऑफ द पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 6 है रिकवरी ऑफ द पजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड 7 और 8 है रिकवरी ऑफ द पजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन बात करता है रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम यहाँ इसको ज़्यादा टर्म्स को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, सिंपल अभी हम समझते हैं कि जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है, ठीक है, एंटाइटल्ड मतलब वो उसके पास ओनरशिप हो सकती है या पजेशन के थ्रू वो एंटाइटल्ड हो सकता है, लीगली एंटाइटल्ड होना चाहिए किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पजेशन के लिए, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी अगर उससे ले ली जाती है तो वो उसको उसी मैनर से रिकवर कर सकता है जो यहाँ पे आपका सीपीसी में दे रखा है। सेक्शन 6 बात करता है, सेक्शन 6 एक बेसिकली स्पीडी रेमेडी की बात करता है। यहाँ इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि कोई भी पर्सन अपने हाथ में कानून को ना ले, कोई भी भले ही आपकी प्रॉपर्टी है उसको किसी ट्रेस्पासर ने होल्ड करके रखा है और उस ट्रेस्पासर के पास सेटल्ड पजेशन है, तो भी आप उससे प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। सेक्शन 6 कहता है कि अगर किसी पर्सन को डिसपजेस कर दिया गया है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और उस पर्सन की कंसेंट, ये आपको टर्म्स याद रखने हैं, उस पर्सन की कंसेंट के बिना विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो उस केस में कोई भी पर्सन, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको डिसपजेस किया गया है या जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहा है या जिसके थ्रू वो उस पजेशन में था, तो यहाँ पे जिसके थ्रू वो पजेशन में था वो पर्सन भी यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। 2018 से आया ये वाला टर्म कि थ्रू हुम ही हैज़ बीन इन पजेशन और एनी पर्सन, ठीक है, तो वो सूट रिकवर कर सकते हैं सेक्शन 6 के अंडर, प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं सेक्शन 6 के अंडर सूट फाइल करके। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जिस पर्सन को रिमूव किया गया है वो ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हो, ठीक है, प्रॉब्ली मतलब बट उसके पास एंटाइटल्ड तो हो, वो पजेशन हो उसके पास, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर हो उस प्रॉपर्टी का,
उसके पास सेटल्ड पजेशन हो, ठीक है, वो कई टाइम से उस पर रह रहा हो, सिट्रस पासर है, आ गया, 1 साल से रह रहा है, अब ओनर को पता ही नहीं है, जब उसको पता चला तो उसको आके धक्के मार के निकालने लगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ट्रस पासर वहाँ पे सेटल्ड पजेशन में था, ठीक है। तो उस केस में अगर उसको निकालना है उसको, तो वहाँ पे उसको सेक्शन 6 के अंडर सूट फाइल करना होगा, और यहाँ पे उसको किसको फाइल करना होगा, आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, जिस पर्सन को निकाला गया है, ठीक है, जिस पर्सन ने निकाला है उसको, ट्रेसपासर को धक्के मार के निकाल दिया अगर, तो ट्रेसपासर जो है सेक्शन 6 के अंदर, ट्रेसपासर जो है जिस पर्सन को डिसपोसेस किया गया है सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। बट जिस दिन उसको डिसपोसेस किया गया, आपको ये याद रखना होगा उसका लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने, 6 महीने के अंदर आपको सूट फाइल करना होगा जिस दिन से आपको डिसपोसेस किया गया है। सेक्शन 5 को आपको याद रखना है, आर्टिकल 64 और 65 से कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 64 या 65 है लिमिटेशन पीरियड, उसका है लिमिटेशन पीरियड जिस दिन आपकी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसके 12 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना होगा, और सेक्शन 6 में है आपका लिमिटेशन पीरियड 6 महीने, 6 महीने में अगर आप सूट नहीं फाइल करते हैं तो फिर आप सेक्शन 6 की रेमेडी खो देंगे, ठीक है। दूसरी इसमें चीज़ कुछ बार है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, 6 महीने के अगर आप नहीं करते हैं 6 महीने में, तो फिर आपकी रेमेडी ख़त्म है, कोई भी इस डिसीजन की, कोई भी डिग्री या ऑर्डर पास हो सेक्शन 6 के अंदर, उसकी ऑर्डर या अपील नहीं होगी, बट रिवीजन हो सकती। ऑर्डर एंड अपील, अरे अपील एंड रिव्यू ना देने का मतलब यही है कि क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 6 को स्पीडी रेमेडी के लिए लाया गया है, अब अगर इसका अपील और रिव्यू कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा, वो कंटिन्यू सालों सालों चलता रहेगा। आप रिवीजन करा सकते हैं बट ऑर्डर एंड अपील नहीं करा सकते। इसका लास्ट क्लॉज कहता है कि सेक्शन 6 में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 5 में टाइटल के बेस पे सूट फाइल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं सेक्शन 6 बार लगाता है। अगर मान लीजिए किसी, क्योंकि आप यहाँ पे सेक्शन 6 में केवल पजेशन के बेसिस पे सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेक्शन 6 में टाइटल आपको नहीं रेज करना है कि मैं इसका ओनर हूँ या मैं यहाँ पे लॉफुल टेनेंट हूँ, आप नहीं, टाइटल अपना नहीं रेज कर सकते। अगर आपको टाइटल के बेस पे, ठीक है, टाइटल मतलब आप एंटाइटल्ड हैं, आपके पास ओनरशिप है, आपके पास पजेसरी टाइटल है, अगर आपको उस बेसिस पे सूट लाना है तो उस केस में आप सेक्शन 5 के अंदर सूट लाएंगे, ठीक है। फिर है सेक्शन 7 और सेक्शन 8, आपका रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर यहाँ सेक्शन 7 कहता है कि अगर किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो एंटाइटल्ड है, एंटाइटल्ड का मतलब यहाँ पे ओनरशिप है या उसके पास पजेसरी टाइटल है, तो उस केस में वो सेक्शन CPC के थ्रू वो पा सकता है। यहाँ पर ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी भी सूट फाइल कर सकते हैं क्योंकि ट्रस्टी जो है वो केयर टेकर होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उसके पास भी पजेसरी टाइटल है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि अगर किसी पर्सन के फेवर में स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट क्रिएट की गई और उसके पास प्रेजेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट कैसे क्रिएट हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख करने के लिए किसी को दे रखा है, ठीक है, कि तुम इसकी देख रेख करो, अब उसके पजेशन से कोई निकाल के ले गया तो वहाँ पे उसके पास स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट क्रिएट की गई थी, तो वो भी सूट फाइल कर सकता है क्योंकि उसके पास इमिडिएट प्रेजेंट पजेशन है। सेक्शन 8 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इन पजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर दी पर्सन एंटाइटल्ड टू इमिडिएट पोजेशन। इसमें बस इतना कह रहा है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रखा हुआ है और उसको पता है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, तो उस केस में उस पर्सन से वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन पाने के लिए, ठीक है, वो पर्सन जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए इमिडिएट पोजेशन यानी कि प्रेजेंट पोजेशन के लिए हकदार है, वो सूट फाइल कर सकता है। अगर डिफेंडेंट उस केस से प्रॉपर्टी जो है होल्ड करके रखता है ट्रस्टी की कैपेसिटी में या एजेंट की कैपेसिटी में, ठीक है, या एक सेकेंड, या जहाँ पे कंपनसेशन इन मनी एडुकेट रिलीफ नहीं है, या जहाँ पे ये पता लगा पाना कि कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, और जहाँ पे पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का प्लेंटिव से गलत तरीके से ले लिया गया है। बी और सी में एक जो है आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है जहाँ पे कोर्ट जो है ये मान के चलेगा, अनटिल एंड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूफ, कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे ये मान के चलेगा कि कॉम्पनसेशन इन मनी जो है वो एडुकेट रिलीफ नहीं है, और एडुकेट
ये काफ़ी टफ हो जाएगा पता लगाना कि कितने का लॉस हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके चैप्टर टू, जो सेकंड रिलीफ की बात करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस पोर्शन में काफ़ी मेजर अमेंडमेंट हुआ 2018 में, काफ़ी सेक्शन इसमें ऐड हुए, सब्स्टिट्यूट हुए। तो अब जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक रिलीफ में जो आपको रिलीफ दी गई है वो रिलीफ सारी जो है डिस्क्रिशनरी है, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, सेक्शन 10 में शैल टर्म आ गया है, मे को सब्स्टिट्यूट करके शैल लाया गया है। सेक्शन 9 बात करता है कि डिफेंडेंट जो है अपने डिफेंस में वही डिफेंस ले सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट से, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कंट्री में उनमें जो डिफेंसेस दे रखे हैं उनमें अवेलेबल हैं। सेक्शन 10 बात करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 2। ठीक है, तो यहाँ पे शैल टर्म आपको याद रखना है, 11, 14 और आपको 16 इतना याद रखना है कि ये ऐसी तीन कंडीशन है जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंडेटरी है, फिर भी 11, 14 और 16 में दिए गए कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। ठीक है, 11 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ट्रस्टी जो है अपनी पावर का एक्सेस करता है या अपनी ड्यूटी का ब्रीच कराता है तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, 12 भी आपका, 12 के लिए मैंने, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है इसको समझने में, तो इसको इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो डाल रखा है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसको सेक्शन 53A से कनेक्ट मत करेगा TPA के, ये दूसरी चीज़ है, तो आप इसको जो है उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको शॉर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है। 13 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 14 आ जाइए, जो साफ साफ बोलता है कि कहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको चार पॉइंट याद रखना है, जहाँ प्लेंटिफ ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कर लिया वो हम सेक्शन 20 में देखेंगे। ओके, अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस डिटेल में पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है सारे वाला, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सब शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे प्लेंटिफ ने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा रखा है आपको ये रटना है, अभी प्री के लिए तो इतना सफिशिएंट है। दूसरी चीज़ है जहाँ पे कंटिन्यूएंस ड्यूटी कोर्ट की हो, ठीक है, कोर्ट को सुपरवाइज करना महीने महीने, तो कोर्ट कहेगा कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी आई एम सो मच, इतना ज़्यादा पेंडिंग है केसेस का कि कहाँ से मैं, तो कंटिन्यूस ड्यूटी में कोर्ट नहीं देख सकता है जहाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, जहाँ पर्सनल, अब पेंटर है, पेंटर मर गया तो क्या ज़रूरी थोड़ा है कि पेंटर का बेटा भी पेंटर ही होगा। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ डिटर्मिनेबल मतलब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उसे तोड़ दे, कब उसे शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, 14A में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 14A की वो है, पूछ सकता है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू इंगेज द एक्सपर्ट किस सेक्शन में दे रखा है। ओके, फिर सेक्शन 15 में आपको जो है ये रटना है, इसमें भी वैसे आपको ये रटना होगा कि कौन कौन पार्टीज है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है कि हुम में ऑप्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसको किसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकता है, तो ऑब्वियसली जो पार्टीज होंगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बट जहाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन डिपेंडेंट है वहाँ पे नहीं हो सकते वो। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे। फिर वो है आपका सी पॉइंट, बोलता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके बेनिफिट के लिए जो बेनिफिशियरी है वो भी लाके रख सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, आपको इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है FA, आपको ये याद रखना है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, कि 2018 से ऐड किया गया है। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि सेक्शन 10 में दे रखा था कि 11, 14 और 16 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका 16 कहता है पर्सनल बार टू रिलीफ, यानी किसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द फेवर ऑफ द पर्सन, ठीक है, जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा ली है। ठीक है, जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑलरेडी करा रखी है कोर्ट उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा, जो इनकेपेबल हो गया है। ठीक है, किसी भी कारणवश वो इनकेपेबल हो गया है या वो एसेंशियल टर्म खुद ही वायलेट कर रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल टर्म वायलेट कर दिए, फिर वो कोर्ट जाके कहेगा कि सर भाई आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए, तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई तुमने एसेंशियल टर्म वायलेट कर रखे हैं और तुम चाह रहे हो तुम्हारे फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वायलेट्स द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर जो उसके पार्ट में रह गया था उसी को वायलेट करता है, फिर वो फ्रॉड कमिट करता है या फिर विलफुली वो कॉन्ट्रैक्ट से हट के काम करता है, उसके सबवर्जन में कुछ काम करता है। ठीक है,
या फिर वो जो फेल हो जाता है इस बात को प्रूफ करने में कि भाई हम विलिंग हैं, अपनी विलिंगनेस को, ठीक है, अपनी विलिंगनेस को कि हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल, मतलब वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता है कि जिससे ये दिखे कि ये तो विलिंग ही नहीं था इसमें, तो वो काम करने का उसके अंदर ये जोश ही नहीं था, ये तो बार बार कहता था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा, ठीक है। तो हु फेल्स टू प्रूव, ये आपको याद रखना है, 2018 में इसका सब्स्टिट्यूट हुआ है कुछ टर्म्स, अवरमेंट टर्म को हटा दिया गया है। हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड और हैज़ बीन रेडी एंड विलिंग टू प्रूव द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम अदर देन द टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन प्रिवेंटेड और वेव्ड बाय द डिफेंडेंट। फिर आते हैं हम सेक्शन 18 पे, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट वेरिएशन। इसमें अगर पहले हम कहानी की तरह इसको समझ लेते हैं, इसमें बेसिकली ये है कि प्लेंटिव सूट फाइल करता है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराइए, डिफेंडेंट आके बोल देता है कि वेरिएशन, ठीक है, जब तक वेरिएशन नहीं होगा हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराएंगे। अब वेरिएशन में क्या है कि वो इस बात को प्रूव कर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और डिसाइड हुआ था और जो कॉन्ट्रैक्ट निकल के आया है वो कुछ और है, ये बात प्रूव हो जाती है। तो इस केस में कोर्ट कहेगा, किससे कहेगा, प्लेंटिव से, कि भाई देखो जहाँ फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको ये तीन टर्म याद रखने हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट था उसके टर्म्स डिफरेंट हो गए। जैसे मान लीजिए आपको 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट करना था, उसमें से 1-0 जो आपने लिखा उसमें आपका इंटेंशन था 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट करने का, उसमें 1-0 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पे पार्टीज का तो डिफेंडेंट को 10,000 रुपये ही देने थे, अब एक्स्ट्रा बढ़ गया 0 गलती से, तो उसके इसमें तो वैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वहाँ पे जो टर्म्स है, किस वजह से, फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से टर्म्स जो हैं वो गलत दिख रहे हैं, ठीक है, टर्म्स जो ऑलरेडी डिसाइड हुए थे वो गलत दिख रहे हैं, या फिर पार्टीज़ का जो इंटेंशन था वो कोई और लीगल रिजल्ट प्रोड्यूस करने का था बट एक्चुअली में कुछ और ही निकल के आ रहा है, या जहाँ पे पार्टी ने नोवेशन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, यानी कि पार्टी ने जब ऑलरेडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया उसके सब्सिक्वेंटली वो जाके वो बदल देते हैं उसके उसके सब्सिक्वेंटली ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ इसी को कहते हैं नोवेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 62। तो इस केस में जब तक प्लेंटिफ ये सारी चीज़ों को करेक्ट नहीं करेगा, वेरिएशन की बात कर रहा है, तब तक वो एनफोर्समेंट नहीं करा सकता, ठीक है, तभी इसको कहा गया है नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद द वेरिएशन। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 20, इसको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की बात इतनी है कि मान लीजिए इसमें तीन पार्टी हैं, पहला है कि अगर किसी पास दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी मना कर देती है तो दूसरी पार्टी उसकी जगह अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और से परफॉर्म करा लेती है, ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और से परफॉर्म करा लेती है, सब्स्टिट्यूट करा लेती है। तो इस केस में क्या होगा कि वो पहले तो उसको नोटिस देगी 30 दिन का कि भाई देखो तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में परफॉर्म कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो हम किसी और से परफॉर्म करा रहे हैं, और उसको करने में जो भी उसका एक्चुअली में जो उसका खर्चा हुआ है वो उस पार्टी जिसने ब्रीच किया है उसे मांग सकती है। आपको इतने इसको डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो यही है कि फिर सेक्शन 20 में अगर आपने सब्सटीट्यूशन करा लिया है तो आप कॉम्पनसेशन तो क्लेम कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 73 के थ्रू, बट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। फिर 20 है, आपको मार्जिनल हेडिंग याद रखनी है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फिर आपका सेक्शन नंबर 21 जो बात करता है पावर टू अवॉर्ड द कॉम्पनसेशन इन दी सर्टन केस, ठीक है। इस केस में क्या है, आपको कुछ इसमें टोटल आपके 5 क्लॉजेज हैं। तो पहले क्लॉज में इतना कह रहा है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ उसके एडिशन में कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, यानी कि एडिशन की बात कर रहा है, सब्सटीट्यूशन की बात नहीं कर रहा है, एडिशन की बात कर रहा है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लस आपको कॉम्पनसेशन। दूसरा बात कर रहा है कि मान लीजिए कि कोर्ट जो है बोल देता है कि ठीक है हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देंगे, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देना चाहिए क्योंकि टर्म यूज़ हुआ है ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, नहीं होना चाहिए, बट उसे लगता है, कोर्ट को लगता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही हुआ था और एक पार्टी ने तो ब्रीच किया ही किया है, तो इस केस में प्लेंटिव को कॉम्पनसेशन तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है नहीं करना चाहिए, बट वो कॉम्पनसेशन कर सकता है। अब तीसरे क्लॉज में कहता है कि मान लीजिए कॉम्पन कोर्ट को लगता है कि नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ठीक है दे देंगे हम, बट वो सफिशेंट नहीं है,
उसको मतलब प्रॉपर इक्वल जस्टिस करने के लिए यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी करना ज़रूरी है, तो कॉम्पनसेशन भी देना ज़रूरी है, तो कोर्ट दोनों दे सकता है। ठीक है, फिर अब ये बोल रहा है कि कॉम्पनसेशन का जो भी डिसाइड करने के लिए वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 73 से गाइड हो सकता है। फिर क्लॉज 5 वही कह रहा है कि आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसको अपने प्लेंट में साफ साफ मांगेंगे नहीं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए आप नहीं मांगते हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सके। कहाँ दिया है ये? ऑर्डर 6 रूल 17 में दे रखा है अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। फिर है आपका, आ जाइए आप सेक्शन नंबर 24 पे। हम इस वीडियो में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये आई होप आपको ये चीज़ समझ आए कि डिटेल पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल दो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 44 सेक्शन है, बट इट टेक टाइम्स। ठीक है, इट टेक टाइम्स बिकॉज काफ़ी एलाबोरेटिव है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इस पर टाइम लगता है। आप इसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपको समझना है, आप समझ के थोड़ी बहुत चीज़ों को, ऑब्वियसली एक एक चीज़ जो यहाँ पे प्रिज्यूम्ड है कि ऑलरेडी सब लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, तो जस्ट फॉर द रिविजन पर्पज़। ठीक है, सो नॉट टू वेस्ट आर टाइम। सेक्शन 24 बात करता है बार ऑफ द सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर द ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपने सूट फाइल किया है किस लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और आपका वो सूट डिसमिस हो गया है, तो उस सूट के डिसमिस होने के साथ अगर जो आपका राइट है कि आप कॉम्पनसेशन के लिए भी सूट फाइल कर सकते हैं, वो भी साथ साथ में बार हो जाएगा। उस केस में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले केस में, जो आप कॉम्पनसेशन मांगते हैं आप उसके लिए अलग सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर जो अदर रिलीफ होती हैं, कोई भी रिलीफ हो सकती है, मान लीजिए आप पार्टीशन मांगते हैं उसमें या कुछ अदर रिलीफ होती, वो आपकी बार नहीं होंगी। बट कॉम्पनसेशन की अगर रिलीफ बार हो जाएगी क्योंकि आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस हो गया है। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं जो बात करता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन। ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ करेक्शन कराना, तो ये आपका सेक्शन 26 है जिसमें रेक्टिफिकेशन की बात किया गया है। यहाँ पे आपको जो टर्म याद रखना है वो है फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज। जहाँ पे फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जो है, ठीक है, उसका रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, गलती की वजह से पार्टीज़ ने कुछ जल्दी जल्दी में कुछ लिख तो दिया, बट अब जब वो उसको बैठे हैं समझने के लिए तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। ठीक है, जो एक्चुअली में डिसाइड हुआ था वही नहीं पता चल रहा है, तो उस केस में आप रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। बट आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है वहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, ये जो भी है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में जब रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी जो है या उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस सूट फॉर द रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, या अगर कोई ऑलरेडी सूट फाइल है तो प्लेंटिव उस केस में अपने, ठीक है, अपनी रिलीफ में रेक्टिफिकेशन भी क्लेम कर सकता है, या डिफेंडेंट अगर कोई भी सूट चल रहा है उसमें अपने डिफेंस में अब एक रेक्टिफिकेशन का भी रिलीफ रख सकता है, एक रेक्टिफिकेशन का डिफेंस भी रख सकता है। ठीक है, आपको बस इसमें इतना ही जानना है। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि तीन जो रेमी, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एक होता है आपका रेक्टिफिकेशन जो हम कर चुके हैं, रेसेशन और कैंसलेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन कराना, रेसेशन और कैंसलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं जहाँ पर वो, ठीक है, क्योंकि रेसेशन में भी कैंसिल कराना होता है और कैंसलेशन में भी कैंसिल ही होता है, बट ये सिमिलर नहीं है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, बट यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में इनके सिमिलैरिटीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या होता है आपका? करेक्ट करना। जब आपको फेस्ड मतलब जो फ्रॉड है, फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका रियल इंटेंशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट था या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग था विच डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल एंड एसोसिएशन, ये सब आप देख लीजिएगा, तो इस केस में कोई भी पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव सूट फॉर रेक्टिफिकेशन ला सकते हैं, या कोई सूट ऑलरेडी चल रहा है तो प्लेंटिव अपने प्लीडिंग में रेक्टिफिकेशन की भी रिलीफ मांग सकता है, डिफेंडेंट अपने डिफेंस में रेक्टिफिकेशन का डिफेंस ले सकता है, और उसके बाद क्या होगा कि अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो
अगर कोर्ट को लगता है कि थर्ड पार्टी इससे प्रिजुडिस नहीं होगी तो यहाँ पे आपको वो रेक्टिफिकेशन ग्रांट कर सकता है, ठीक है। और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई हो गया तो अगर पार्टी ने स्पेसिफिकली प्लीड किया है तो उसको रेक्टिफाई करा के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कराया जा सकता है। रेसेशन देखते हैं, ठीक है। रेसेशन में क्या होता है, चैप्टर नंबर 4। रेसेशन का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, ऑलमोस्ट लाइक कैंसल टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि दोनों सिमिलर, मतलब इनके फीचर्स एज आई टोल्ड यू मैच करते हैं, बट आप इनको ये मत कहिए कि दोनों सेम है, क्योंकि सेम होते तो अलग अलग इनके चैप्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो रेसेशन कब एडजस्ट या रिफ्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या कर सकती है। तो जब कब कर सकते हैं, जो भी पार्टी है या प्लेंटिव है उसके ऑप्शन पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या टर्मिनेबल है या कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है और ऐसे कारणों की वजह से अनलॉफुल है जो अपेरेंट, जो दिखते नहीं है फेस टू फेस कि अच्छा हाँ ये अनलॉफुल है, बट वो अनलॉफुल है, और उस केस में क्योंकि अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, तो उस केस में डिफेंडेंट की गलती ज़्यादा हो सकता है। डिफेंडेंट अनडू इन्फ्लुएंस की पोजीशन में हो, डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, तो उस केस में कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेक्सेशन के लिए सूट फाइल कर सकती है। तो दो कंडीशन क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल हो या वॉइडेबल हो, किसके ऑप्शन पे, प्लेंटिफ के ऑप्शन पे, या कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है और वो फेस पे अपीयर नहीं कर रहा है बट वहाँ पे डिफेंडेंट की गलती ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट का रेसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। बट इन फॉलोइंग कंडीशन में आप सूट फॉर रेसेशन नहीं फाइल कर सकते। पहला, जहाँ भाई उसने रेक्टिफिकेशन करा लिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करके, ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दे दी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिसका आपको एक पार्टी के कंसेंट पे वो वैलिड हो सकता है, जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई है, उसने अपनी कंसेंट दे के उसको वैलिड करके रेक्टिफाई करा लिया। अब आप फिर आते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई इसे ख़त्म कराइए, फिर इसका रेस्क्रिप्शन कराइए, तो कोर्ट कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये है कि उसका स्टेटस क्यों नहीं हो सकता, स्टेटस क्यों, उसका ओरिजिनल पोजीशन। अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को रेसेशन करा भी दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब वापस ओरिजिनल पोजीशन में पार्टीज को नहीं लाया जा सकता। या थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट कर लिया है, या कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट चीज़। फिर 29 कहता है ऑल्टरनेटिव प्रेयर। ऑल्टरनेटिव प्रेयर क्या है कि भाई अगर आपने अपनी रिलीफ में, ठीक है, आपने जो भी अपनी प्लीडिंग ली है उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप, हो सकता है आप नॉर्मली आप लेके गए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो आप उसमें कह सकते हैं कि ठीक है ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, आप कोर्ट, आप इसको उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराइए, और इन केस अगर ये स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होता है तो आप इसका रेसेशन कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार हम इसको रीड करते हैं। अ प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में प्रे इन ऑल्टरनेटिव that the contract cannot, that if the contract cannot be specifically enforced, it may be rescinded and delivered up to cancelled, ठीक है। देखिए इसीलिए मैंने आपको कहा कि दोनों जो है मतलब फीचर सेम है मगर ये डिफरेंट है। पहले आप उसको रिसेशन उसका करिए, फिर उसको कैंसिल करवा दीजिए, ख़त्म करवा दीजिए। एंड द कोर्ट इफ इट रिफ्यूजेज टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मे डायरेक्ट इट टू बी रिसेंडेड एंड डिलीवर्ड इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, नाउ कैंसिलेशन में क्या है कि जब जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई पर्सन है उसको लगता है कि कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है, और भाई उसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया बिना डिक्ट, क्योंकि देखिए वॉइड या वॉइडेबल में क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको, अगर है आप वो ऐसे ही वॉइड है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की, बट अगर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो उसको कोर्ट से जाके उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं ताकि वो मिसयूज ना हो आगे। तो अगर कोई भी रिटन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो कोई भी रिटन इंस्ट्रूमेंट है तो इस केस में अब वो वॉइड है या वॉइडेबल है, और उसको लगता है पर्सन को कि जिसके अगेंस्ट है वो, कि भाई अगर ऐसे उसको छोड़ दिया तो ये मेरे अगेंस्ट मिसयूज हो सकता है, तो वो कोर्ट जाके कह सकता है कि आप जो है इसको पहले वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर करा के इसको डिलीवर कर, इसको कैंसिल करवा दें, ठीक है। फिर इसमें पार्टली कैंसिल की बात कर रहा है, ठीक है, जगह वो अगर जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है,
उससे डिफरेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन निकल के आते हैं जिससे वो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो उस केस में वो कह सकता है कि जितना आप पार्टली उसको कैंसिल करिए, जितना उसका यूज है उतना मत करिए, ठीक है। फिर आपके सेक्शन 33 आपका डॉक्टर ऑफ रेस्टोरेशन की बात करता है, खैर इतना उसमें वो नहीं है। डिक्लेरेटरी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6। डिक्लेरेटरी डिग्री में किसी चीज़ को डिक्लेयर कराना होता है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आपकी राइट है, ठीक है, कोई आपका राइट है या आपका कोई कैरेक्टर है जिसको कोई पर्सन डिनाई कर रहा है, या फ्यूचर में आपको लगता है वो पर्सन डिनाई कर सकता, ठीक है, एनी पर्सन वो एंटाइटल्ड है क्या लीगल कैरेक्टर के लिए, कोई भी लीगल कैरेक्टर है उसके लिए वो एंटाइटल्ड है या उसका कोई राइट है किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो उसके टाइटल को, ठीक है, उसके लीगल कैरेक्टर को या उसके राइट को डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड, उसको लगता है भाई ये फ्यूचर में कर सकता है डिनाई, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट के पास सूट फाइल कर सकता है डिक्लेरेटरी डिग्री का। और अगर कोर्ट को सही लगा तो उस केस में वो प्लेंटिफ के फेवर में डिक्लेरेटरी डिग्री पास कर सकते हैं, और उस केस में फर्दर रिलीफ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर रिलीफ मांगने की ज़रूरत तब नहीं है जब आपका सूट ऐसा है जहाँ पे फर्दर रिलीफ की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस केस में फर्दर रिलीफ क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका प्रोवाइजो कहता है जहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे फर्दर रिलीफ की ज़रूरत है बट फिर भी आप नहीं करते, आप केवल किसी चीज़ को डिक्लेयर करवाने चले जाते हैं, तो कोर्ट कहेगा कि नहीं, फिर तुम्हारा अगर हमने तुमको डिक्लेरेटरी डिग्री दे दी जिसका कोई मतलब नहीं है फर्दर रिलीफ के बिना, अगर हमने तुमने दे दिया तो तुमने कल को आके उस फर्दर रिलीफ के लिए अलग सूट फाइल करना है, वो तो ऐसे तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, तो कोर्ट कहेगा कि नहीं ऐसे केस में हम डिक्लेरेटरी डिग्री नहीं करेंगे, तुम अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट करो जो भी करना है बट एक ही सूट लाओ, ठीक है। फिर इफेक्ट क्या है कि भाई ये राइट इन पर्सोनम है, जिन पार्टी के बीच में डिक्लेरेटरी डिग्री हुआ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो गया, जो भी है ये सारी चीज़ें राइट इन पर्सोनम है, आपकी पर्सनल है, ये थर्ड पार्टी पर बाइंडिंग नहीं है। जो सूट हैं, जो पार्टीज के जो पार्टी हैं, सूट के पार्टीज हैं उन पे या उनके रिप्रेजेंटेटिव पे बाइंडिंग है, रीदर देन दैट उनके अलावा और किसी पे नहीं है, ठीक है। आई होप, क्योंकि डिक्लेरेट डिग्री है केवल आपके कितने सेक्शन, दो सेक्शन, बट है ये काफ़ी लंबा टॉपिक तो हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे अभी, ठीक है। पार्ट 3 है प्रिवेंटिव रिलीफ, इसमें दो चैप्टर हैं 7 और 8, ठीक है। तो इंजंक्शन आपको समझना होगा दो तरीके के होते हैं, टेम्प्रेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। अब टेम्प्रेरी इंजंक्शन हम CPC से गवर्न होते हैं, ऑर्डर 39, ठीक है, ऑर्डर 39 में है। टेम्प्रेरी इंजंक्शन में क्या होता है कि भाई कोर्ट जो है आपको किस सूट के किसी भी स्टेज पर टेम्प्रेरी इंजंक्शन दे सकता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है स्टेटस क्यो मेंटेन करने का, ठीक है, अगर दे सकता है उसके लिए आप सूट के किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि सर आप जो है TI मतलब टेम्प्रेरी इंजंक्शन जो है आप ग्रांट कर दीजिए, ठीक है। वो केवल ऑर्डर के ही, मतलब ऑर्डर है टेम्प्रेरी इंजंक्शन का, केवल ऑर्डर आता है और ये आपका फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं करता है मैटर, कोई फाइनली सोल्यूशन नहीं निकालता है, ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन देता है किसी चीज़ को रोकने के लिए। अगर कोर्ट को लगता है टेम्प्रेरी अभी ज़रूरत है तो टेम्प्रेरी इंजंक्शन ग्रांट कर देता है, ठीक है, किसी भी स्टेज पे कर सकता है, बट CPC के थ्रू होता है। इसमें आप 3 पॉइंट याद रख सकते हैं जिसको हम डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे। इसमें 3 पॉइंट है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखता है कोर्ट, प्रिमा फेसी केस प्लेंटिफ के फेवर में आना चाहिए, और कोर्ट को लगता है कि अगर TI ग्रांट नहीं हुआ तो प्लेंटिफ को इरिपेरेबल लॉस हो सकता है, ठीक है। ये सारे डिटेल टॉपिक है, जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस मैंने आपको समझाया। परमानेंट इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से गवर्न होता है। परमानेंट इंजंक्शन में क्या होता है, पार्टीज को सुनने के बाद एट दी मेरिट पूरी पार्टीज को बढ़िया से बकायदा सुन लिया कोर्ट ने, और उसके बाद उन्होंने एंड में बोल दिया कि ठीक है परमानेंट इंजंक्शन की डिग्री ग्रांट होती है, ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन तब पास होता है। देखिए इसमें लिखा है ना, परमानेंट इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिग्री, और TI में देखिए टेम्प्रेरी इंजंक्शन आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको परमानेंटली रोक दिया जाता है कि आप अपने राइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कोई काम आप नहीं करेंगे जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट है, ठीक है। अब देखिए परपीचुअल इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन एक ही है। आपका परपीचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट होता है, जब कोर्ट को लगता है कि भाई
कोई ऐसा राइट, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन ऑफ राइट जो प्लेंटिफ के फेवर में एग्जिस्ट करता है वो खतरे में है, ठीक है, कोई प्रिवेंट ब्रीच को रोकने के लिए, किस ब्रीच को रोकने के लिए, कोई ऑब्लिगेशन ऑफ दी, कोई ऑब्लिगेशन है, कुछ भी है जो प्रिवेंटिव के, अरे प्लेंटिव के फेवर में एग्जिस्ट करता है, उसको रोकने के लिए कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। कब करेगा? जब डिफेंडेंट एक्चुअली में इन्वेड करता है, ठीक है, इन्वेड करता है या थ्रेटन करता है कि वो प्लेंटिव के राइट को या उसके एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को खतरा पहुंचा सकता है, तो उस केस में प्लेंटिव डिफेंडेंट के अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है जब डिफेंडेंट ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का, जब वहाँ पे कोई मींस नहीं है। क्योंकि देखिए इंजंक्शन जो है ऐसे ही नहीं ग्रांट होगा, कोर्ट सर्कमस्टांसेस देखेगा, कोर्ट को लगेगा कि भाई अगर हमने परमानेंट इंजंक्शन नहीं किया तो कोई और मनी मनी से ऐसा कोई वो नहीं होगा, इंजंक्शन ग्रांट करना ज़रूरी है, ठीक है, कोई अदर मीन्स ही नहीं है कि हम पता लगा पाए कि कितना एक्चुअल उसको डैमेज हुआ है, ठीक है, मनी एडिकेट रिलीफ नहीं है और मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी अगर हमने इंजंक्शन नहीं किया। आज ये अगर नहीं किया तो फिर कल डिफेंडेंट सूट लेके आएगा, फिर डिफेंडेंट का बेटा लेके आएगा, फिर प्लेंटिफ का बेटा लेके आएगा, ठीक है। तो परमानेंट इंजंक्शन में क्या होता है कि बस हम बोल देते हैं कि ये काम नहीं करना है अब तुम्हें, ये काम तुम कभी नहीं करोगे, समझ जाओ। मैंडेटरी इंजंक्शन में हम उसको मैंडेट करते हैं कि ये काम करना है, कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ एनीथिंग, बस यही अंतर है। मैंडेटरी इंजंक्शन में आपको कुछ पॉजिटिव, मतलब आपसे कुछ करवाया जाता है, ठीक है। When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. The court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complained of and also to complain the performance of the requisite act. Okay? Damages in lieu of or in addition to injunction, यानि कि आपने injunction की remedy मांगी है, आप साथ साथ उसके addition में जो कॉम्पनसेशन यानी डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड, ये आप देख लीजिएगा, लीगल प्रोसीडिंग रोकने के लिए ये सब चीज़ों पे नहीं ग्रांट होता है। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, अगर एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, तो कोर्ट अगर पॉजिटिव पे आपका इंजंक्शन लगा दे, मतलब एक जो पॉजिटिव है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, सॉरी वो परफॉर्म हो सकता है, चलिए जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई अग्रीमेंट है जिसमें आपको कुछ करना है यानी अफर्मेटिव पोर्शन है और कुछ नहीं करना है, तो उस केस में अगर अफर्मेटिव पोर्शन का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव पोर्शन के अगेंस्ट आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट विल नॉट प्रिक्लूड इट फ्रॉम ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन टू परफॉर्म दी नेगेटिव अग्रीमेंट, अगर पॉजिटिव का काम मतलब जो करना है कोर्ट उसको नहीं करवा पा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो है नेगेटिव वाला भी नहीं करवाएगा, वो कोर्ट कह सकता है कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है नेगेटिव वाले को जो है वो उसके अगेंस्ट इंजंक्शन परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया 43-44 रिपील्ड है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो, बिल्कुल हमने शॉर्ट में किया है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है बट वो प्री के लिए इतनी वो नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।